वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर एंट्री हुई विविन डिसेना की, क्योंकि वीकेंड का बार है और ऐसे में विविन डिसेना अपने शो को प्रमोट करने आए हैं। विविन डिसेना जो कि टेलीविजन का बड़ा नाम है और हाल ही में ये अपना नया शो लेकर आई हैं, जो कि एक रोमांटिक कहानी है जिसमें विविन एक लवर बॉय की इमेज में है। वो एक आशिक का किरदार निभा रहे हैं। शो का नाम सिर्फ तुम है। पर जब विविन वीकेंड के वार में आए तो उन्होंने तेजस्वी करण के रिश्ते की एक ऐसी सच्चाई खोल दी सबके सामने, जिस सच्चाई को देखकर तेजस्वी और करण के पैर भी कांप गए। क्या हुआ है, चलिए हम आपको चली टॉकीज पर बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर विविन डिसेना टास्क करवाने के लिए आए, क्योंकि वो अपने शो सिर्फ तुमको प्रमोट कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने टास्क करवाया जिसमें तेजस्वी और करण को एक दूसरे की आंखों में देखकर कई सारे वादे करने थे और प्यार का इकरार भी करना था, इजहार भी करना था। और ये देखना चाहते थे विविन डिसेना कि आखिर कितनी देर तक ये दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक कर देख सकते हैं। पर ऐसे में करण कुंद्रा काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और ना जाने क्यों वो तेजस्वी को कई सारे वादे दे गए। तेजस्वी और करण ने अपने रिश्ते को पूरी तरह से विविन डिसेना के सामने ऑफिशियल कर दिया और करण ने तेजस्वी से बोल दिया कि अब चाहे जो हो जाए, ये शो में हम रहे ना रहे, लेकिन मैं 7 जन्म तेरे साथ रहना चाहूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं करण ने इस बात को बोल दिया है कि वो तेजस्वी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी और करण के घर वालों ने भी इनके रिश्ते पर मोहर लगा दी है और इस मोहर की जानकारी खुद देवोलीना और रश्मि ने घर में एंटर होकर तेजस्वी और करण को दी है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।